नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्रिट से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक और न्यूमेरिकल अगेन फ्रॉम द केमिकल इंजीनियरिंग गेट 2019 का क्वेश्चन। वो है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, इसमें ऑप्शंस भी नहीं है। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये आपसे बहुत बढ़िया से रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे एजुकेशन वीडियोज आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप डॉक्टर आरके बंसल की बुक को परचेज कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से मैकेनिक्स के लिए सबसे बेस्ट बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल, जो सबसे पहले हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ने की यानी कि समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में गिवन डेटा लिखना बहुत जरूरी है, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त गिवन डेटा बहुत यानी कि होना चाहिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज यूज्ड टू पंप वाटर डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब। एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक है, उसे यूज किया जा रहा है फ्लूइड को ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। तो एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है, वो पंप कर रहा है फ्लूइड, और वो फ्लूइड क्या है आपका वाटर, वाटर की डेंसिटी दी हुई है, तो दिस इज गिवन। तो जो फ्लूइड वो पंप कर रहा है दैट इज वाटर, उसकी डेंसिटी दी है, दिस इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, वो कहां से कहां तक कर रहा है, फ्रॉम एन इनलेट प्रेशर ऑफ 10^5 pascal टू एग्जिट प्रेशर ऑफ 2×10^5 pascal। तो अगर आप देखेंगे हमारे पास एक पंप है, पंप कुछ ऐसा ही दिखेगा, और मोस्टली इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल पंप ही यूज किया जाता है, क्योंकि वो सस्ता है, इकोनॉमिक है और इजीली टू हैंडल है। ठीक, और ये वर्साटाइल भी है, मतलब हर जगह ये चल जाता है लगभग, क्योंकि अगर आपका ऐसा लिक्विड है जिसमें कुछ सॉलिड्स भी हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स, वो भी ये झेल लेता है, और इसे हर जगह यूज किया जाता है। मोस्टली आप अगर आप फार्मा कंपनी में देखेंगे या कहीं भी दूसरी कंपनीज में देखेंगे, फार्मा कंपनी में सबसे ज्यादा ये यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप। ओके, ये हो गई आपकी सक्शन लाइन, ये हो गई हमारी डिलीवरी लाइन। ठीक है, अब इनलेट पे मैं काम करता हूं, सेक्शन ले लेता हूं यहां पे, कंसिडर करता हूं, मैं दूसरे कलर से बताऊंगा आपको। ठीक है, तो मैं यहां पर एक सेक्शन ले लेता हूं, ये मैंने रेड कलर में एक सेक्शन लिया है, दिस इज सेक्शन 1, यहां पर लिया है सेक्शन 2, क्लियर हो गया। ओके, तो मैंने यहां पर सेक्शन ले लिया है, और यहां पर जो प्रेशर है P1, तो P1 की वैल्यू मैं यहां पे लिखूंगा, दे हैव गिवन P1 की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 10^5 pascal। ओके, और ये हो गया यानी कि प्रेशर एट इनलेट। आउटलेट पे जो प्रेशर है बताया हुआ है कि एग्जिट प्रेशर कितना है, दैट इज योर P2, तो यहां पर मैं लिख देता हूं दिस इज P2, यहां पर P2 प्रेशर है कितना है, दिस इज 2×10^5 pascal। आगे बढ़ूंगा, द एग्जिट इज एन एलिवेशन ऑफ 10 meters अबो द पंप। अभी जो एग्जिट है, एग्जिट मतलब जहां पर पानी आपका डिलीवर हो रहा है वो सेक्शन, ठीक है, वो सेक्शन कितनी हाइट पर है, वो 10 meters की हाइट पर है। तो कहने का मतलब है अगर हम, मैं यहां पर सेंट्रल लाइन बना देता हूं, सक्शन लाइन की सेंट्रल लाइन, समझ गए, सेंट्रल एक्सिस सक्शन लाइन जो है जहां से पानी खींच रहा है और जा रहा है आपके पंप में और पंप से डिलीवरी लाइन में जा रहा है, उसकी एक सेंट्रल लाइन बना देता हूं। तो सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 की भी एक सेंट्रल लाइन बना देता हूं, सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 जो है, ठीक है, यानी कि एग्जिट की बात रही, जो एग्जिट है, एग्जिट मतलब आपका डिलीवरी लाइन की जो सेंट्रल लाइन है वो आपके पंप से कितना ऊपर है, 10 meters ऊपर है। तो कहने का मतलब ये साफ साफ दिया हुआ है कि यानी कि ये जो डिस्टेंस है, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा मैच कर देता हूं, हाँ ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो एग्जिट है वो 10 meters ऊपर है आपकी इस एक्सेस से, जहां पर आपका पानी खींच रहा था, ठीक है, इस सेंट्रल लाइन से। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, उसके बाद क्या बताया है, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज 10 meters per second। अब फ्लूइड यहां से एंटर हो रहा है सक्शन लाइन से और जा रहा है आपके आउटलेट लाइन में, यानी कि डिलीवरी लाइन में, तो उस दौरान जो एवरेज वेलोसिटी ली गई है, दिस इज योर 10 meters per second। ठीक है, अभी तक ये नहीं बताया है कि इनलेट में जो पाइप लगी हुई है उसका डाया बड़ा है या क्या वैल्यू है, या आउटलेट पे जो पाइप लगी है उसका डाया क्या है, क्योंकि डायमीटर अगर चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होती है। तो इसमें साफ साफ बताया हुआ है कि जो एवरेज वेलोसिटी है फ्लूइड की वो 10 meters per second है, तो मोस्टली यही होगा कि इसका डायमीटर डेफिनेटली कांस्टेंट ही होगा, तभी एवरेज वेलोसिटी ले ली है। ठीक है, तो दिस इज योर 10 meters per second। आगे बढ़ते हैं, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप एट द पंप इनलेट एंड आउटलेट इज 10^-3 m². जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बोल ही रहा था कि अगर एवरेज वेलोसिटी दी ही हुई है 10 meters per second, तो मगर हमें कंसीडर कहां करनी है, क्या वो सेक्शन 1 की है या सेक्शन 2 की है। ठीक है,
तो कहने का मतलब एवरेज वेलोसिटी दी है फ्लूइड की, अब हमें ये नहीं मालूम कि वो सेक्शन वन की है या सेक्शन टू की बात हो रही है, कि समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो कहने का मतलब है, अब वो क्या बोल रहा है कि जैसा कि मैंने बताया ही था कि आपका डाया कांस्टेंट होना ही चाहिए क्योंकि एवरेज वेलोसिटी दे दी है फ्लूइड की 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है एट द पंप इनलेट, पंप के जो इनलेट पे जो पाइप लगी हुई है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया और आपका आउटलेट पे जो पाइप लगी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है, जो बताया हुआ है दैट इज 10^-3 m². और अगर इनलेट पाइप का और आउटलेट पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहता है तो दैट मींस आपका डायमीटर सेम रहेगा, डायमीटर सेम रहेगा तो वेलोसिटी सेम होनी ही चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं फिलहाल जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया फ्लो के लिए जो एरिया चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, देखिए पाइप है, अगर आप पाइप को कट करोगे तो ये जो जिस एरिया को लिक्विड यूज करता है फ्लो होने के लिए दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया, तो यहां पे दिया हुआ है दैट इज 10^-3 m². आई थिंक आपको ये गिवन डेटा काफी क्लियर हो रहा होगा। एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जनरली, अगर नहीं दिया रहता है तो जी की वैल्यू 9.81 देते हैं, मगर यहां पर हम लिखेंगे दैट जी दिया हुआ है दिस इज 10 m/s² और कुछ दिया, नेग्लेक्ट द लॉसेस, इस सिस्टम में होने वाले लॉसेस को नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो पावर हमें चाहिए इन वैट्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पावर के जो पावर यूटिलाइज की गई है पंप द्वारा एक फ्लूइड को सक्शन लाइन से खींच के डिलीवरी लाइन पे एग्जिट यानी कि सेक्शन टू पर पहुंचाने के लिए जितनी पावर यूटिलाइज हुई है तो हमें चाहिए पावर, और वो भी वैट्स में चाहिए, याद रखिएगा। तो मैं ये क्वेश्चन फिलहाल मिटा देता हूं, यहाँ पे फिलिंदी ब्लैंक्स है तो हमें वैल्यू भरनी है, और इसका जो मार्क्स मिलेंगे हमें 2 मार्क्स मिलेंगे जो अभी पूछा गया था रिसेंटली 2019 में ये क्वेश्चन है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि हमें पावर ढूंढनी है, सबसे पहले हमें पावर ढूंढते आना चाहिए, तो उसका फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो पावर अगर हमें चाहिए, अगर पंप की पावर चाहिए, पंप को कितनी हॉर्स पावर लगने वाली, फिलहाल ये हॉर्स पावर में नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया था वैट्स में। तो पावर निकालने का फॉर्मूला है पंप के थ्रू, दिस इज गामा इंटू क्यू इंटू योर हेड, ठीक है। गामा इज नथिंग बट योर स्पेसिफिक वेट, क्यू आपका फ्लो रेट है जो इस पंप के थ्रू यानी पाइपलाइन के थ्रू जा रहा है, वो फ्लूइड क्या एक पर्टिकुलर फ्लो रेट से जा रहा है, ठीक है, दिस इज क्यू। और एच, एच एक पॉजिटिव एनर्जी है जो देने का काम करता है पंप, तो दिस इज नथिंग बट योर हेड, एच इज नथिंग बट हेड। अगर और थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, गामा को लिखा जा सकता है रो इंटू जी, दिस इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो इस पाइपलाइन से जा रही है यानी पंप के थ्रू, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्यू इज नथिंग फ्लो रेट, और जो एच है दैट इज योर हेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम क्या करेंगे, सेक्शन वन और सेक्शन टू पे बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे। तो हम लगाते हैं यहां पे अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, बिटवीन सेक्शन वन एंड टू, सेक्शन वन और टू के बीच में हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं, मगर जो हमें लगानी है दैट इज योर मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं P1/ρg, ओके, सेक्शन वन पे लगा रहा हूं, प्लस योर जेड वन प्लस योर V1² / 2g इक्वल टू P2/ρg प्लस योर Z2 प्लस योर V2² / 2g। अब क्योंकि ऑलरेडी बता दिया गया था कि लॉसेस को आपको नेग्लेक्ट करना है, याद रखिएगा मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन में अगर लॉसेस होते हैं, जब भी कभी भी फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो लॉसेस हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं, जैसा कि मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है, मगर इस केस में लॉसेस नहीं कंसिडर करने के लिए बोला गया है, दिस इज नथिंग बट द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, वो भी पाइपलाइन के अंदर होता है, तो मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि लॉसेस नहीं बताए गए थे, मीन्स फॉलो करने के लिए, मतलब लॉसेस नहीं बताए गए हैं कंसिडर करने के लिए। तो हमें क्या बोला गया है कि कितना हेड प्रोवाइड किया गया पंप द्वारा, और उस हेड को जब हम निकालेंगे और फाइनली पुट करेंगे इस पावर की कैलकुलेशन में, हम हेड यहां पर डाल देंगे, तो अगर कोई भी पंप द्वारा एनर्जी दी जाती है यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो पाइपलाइन में लगा हुआ है जो एनर्जी देने का काम करता है पानी को यानी कि फ्लूइड को, ठीक है, तो वो जो एनर्जी है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड की जाती है। और याद रखिएगा जब भी पानी से कुछ एनर्जी निकाली जाती है, कुछ हेड निकाला जाता है, क्योंकि वो पानी की एनर्जी से लॉस हो रहा है, यानी कि पानी की एनर्जी से लॉस हो रहा है, तो ये कुछ हेड यानी कि एनर्जी कुछ पानी से निकाली गई है तो वो एक तरह का लॉस है, वो लॉस को हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है बर्नौलीज इक्वेशन के, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हेड तो हमें ढूंढना है जो हमें नहीं मालूम है, P1 दिया हुआ है, इससे पहले कि हम सारी
वैल्यूज पुट करें, आप ये जरूर इंश्योर कीजिएगा कि सारी की सारी वैल्यूज जो हैं गिवन डेटा वो एसआई यूनिट में होना चाहिए, लाइक वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होनी चाहिए, देन प्रेशर आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में होना चाहिए, जो लगभग हमारे सारी की सारी जो गिवन डेटा एसआई यूनिट में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। P1 बाय रो जी, P1 दे हैव गिवन 10^5 पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, तो 10^5। डेंसिटी कितनी है हमारी इस फ्लूइड की, 1000 है। ओके, जी कितनी, जी की वैल्यू थी 10। ओके, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, अब एक चीज बता दूं, ये Z1 जो है, Z1 इज नथिंग बट सेक्शन 1 का डेटम हेड, समझ गए, सेक्शन 1 का डेटम हेड। मगर अभी हमें ये नहीं बताया गया है कि ये पंप रखा कहां पे है। डेफिनेटली पंप तो एक्चुअली जमीन पे ही होता है, मगर अगर नहीं दिया है तो इस सक्शन लाइन की जो सेंट्रल लाइन है, ये जो मैंने बनाई हुई है डॉटेड वे में, ठीक है, इसको आप Z1 मान लीजिए, यानी कि ये जो लाइन है दिस इज योर डेटम लाइन, आप मान लेते हैं कि ये डेटम लाइन है, और ये Z1 अभी दिया नहीं हुआ है तो यू कंसीडर दिस एज Z1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये क्राइटेरिया है। ओके, अब जो आपका सेक्शन 2 है, ये जो आपकी डिलीवरी लाइन की जो सेंट्रल लाइन है, इसको मान लेते हैं हम Z2, ठीक है, दिस इज योर Z2। तो अगर आप देखेंगे आपके सेक्शन 1 से, जहां पर मैंने सेंट्रल लाइन बनाई हुई है, सेक्शन 1 से हमसे अगर मैं बोलूंगा सेक्शन 1 की कंपैरिजन में सेक्शन 2 लगभग 10 मीटर ऊपर है, मेरा ये कहने का मतलब था कि जो Z2 है वो डेटम लाइन के कंपैरिजन पे, जहां पर आपने सेक्शन लाइन की सेंट्रल लाइन बनाई हुई है, वो कितना ऊपर है। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि जो Z2 है आपके सेक्शन 1 के कंपैरिजन में, या फिर बोल सकते हैं आपकी सेंट्रल, ये जो सक्शन लाइन है इसकी सेंट्रल लाइन के कंपैरिजन में Z2 लगभग 10 मीटर ऊपर है। तो यानी कि Z2 की वैल्यू साफ साफ दी हुई है कि दिस इज 10 मीटर, और साफ साफ हमें बताया हुआ है कि Z1 इक्वल टू 0, क्योंकि हमने इस पाइपलाइन सक्शन पाइपलाइन की जो सेंट्रल लाइन है उसी को हमने डेटम लाइन मान लिया है, और वो हमने कंसिडर कर लिया Z1 इक्वल टू 0। तो यहां पर मैं Z1 की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट, अब मैंने एक चीज बताई थी कि क्योंकि एरिया जो है क्रॉस सेक्शन एरिया सक्शन लाइन का और आउटलेट लाइन का यानी कि डिलीवरी लाइन का सेम ही था, तो दैट मींस डायमीटर सेम रहेंगे। अगर डायमीटर दोनों के केस में सेम रहते हैं, यानी कि सक्शन लाइन के और आपकी डिलीवरी लाइन के, तो दैट मींस वेलोसिटी सेम रहेंगी, दैट मींस V1 इक्वल टू V2 हम लिख सकते हैं। सो विल कट इट, फाइनली विल कट इट, और दिस इज इक्वल टू, तो यहां पे प्लस लगाने की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक, equal to P2. P2 क्या है हमारा, this is your 2 into 10^5 upon 1000 जो कि density है, into acceleration due to gravity दिया हुआ, plus Z2 की value है 10। और याद रखिएगा Bernoulli's equation में हर एक term जो है meters में है, यानी कि head के तौर पे है, this is your pressure, this is the head given by your pump, ठीक है, ये head देने का काम कर रहा है, ये P1 by rho g is pressure head, Z1 is your datum head, V1 square by 2g is your velocity head, तो सारी की सारी values आपकी meter में ही होंगी, क्योंकि 10 meter में है, अगर इसको भी solve करेंगे, ये भी meter में आएगा, इसको solve करेंगे, ये भी meter में आएगा, तो जो H आएगा, head जो दिया गया है pump द्वारा, ये एक positive energy fluid को, वो भी meter में आएगी, तो अगर मैं इसको थोड़ा solve करूंगा, तो this is coming out to be, okay, ये जो आएगा, this is, sorry, ये मैंने, H प्लस ये आएगा सॉल्व करके 10, कैलकुलेटर यूज कीजिए और ये सॉल्व करेंगे तो आपको ये 20 मिलेगा प्लस योर 10 है, ठीक है, सो फाइनली H ये जो 10 है ये उस साइड चला जाएगा और 20 प्लस 10 इज योर 30 और ये 10 उस साइड गया तो दैट इज माइनस 10, सो H इक्वल टू 20 मीटर। और फाइनली आपको H मिल गया है, दिस इज योर 20 मीटर। तो मैं क्या करूंगा, फाइनली अब हमें पुट करना है हमारे पावर के फॉर्मूले में, क्योंकि हमें पावर चाहिए वैक्स में, तो यहां पर निकालता हूं पी। ओके, देखिए रो जो है हमारा 1000 है, ठीक है, ये दिया हुआ था डेंसिटी, ओके, मल्टीप्लाई बाय जी, जी की वैल्यू थी 10, क्यू हमने नहीं निकाला, अब आपको मालूम है क्यू निकालने का एक फॉर्मूला है, फिलहाल मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि ये तो हमारा निकल गया, हेड तो हमारा निकल गया है, आप समझ गए होंगे, तो अब निकालेंगे हम क्यू। क्यू इज नथिंग बट योर फ्लो रेट, क्यू कैन बी रिटन एज ए इनटू वी। अगर आप देखेंगे क्यू एरिया, इस पाइपलाइन का एरिया तो दिया ही हुआ था ऑलरेडी, एरिया यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज योर 10^-3 इनटू वेलोसिटी दी हुई है, दिस इज 10 मीटर पर सेकंड, तो ये कितना आएगा, दिस क्यू इज 10^-3 इनटू 10 इज कमिंग आउट टू बी 0.01। अगर आप इसकी यूनिट देखेंगे तो देखिए क्या आते हैं, 10^-3 की यूनिट थी मीटर स्क्वायर, 10 की यूनिट थी मीटर पर सेकेंड,
सो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर इज योर मीटर क्यूब, तो यहां पे लिख देता हूं मीटर क्यूब और नीचे सेकेंड आ गया। तो फिलहाल अब मैं क्यू की वैल्यू भी लिख देता हूं 0.01 इंटू एच, एच क्या है 20 जो हमारा अभी अभी निकला था। ओके तो फाइनली मैं अगर आप सबको इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारी जो वैल्यू मिलेगी दिस इज 2000, मगर हम इसकी यूनिट भी देखेंगे। देखिए अब देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है 1000 की क्या यूनिट है आपकी केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है ओके 10 की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके देन 0.01 ये आपका फ्लो रेट था दैट इज योर मीटर क्यूब पर सेकंड, ओके फाइनली 20 आपका हेड है दैट इज योर मीटर। अगर आप देखेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको मालूम है कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम न्यूटन, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन लिख देते हैं, ठीक है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन लिख देते हैं। ये मीटर क्यूब कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन ले लिया, मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, एक मीटर यहां पे बचा है और नीचे सेकंड बचा है, ठीक है तो न्यूटन मीटर को क्या बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर को बोलते हैं जूल, तो जूल पर सेकंड हो जाता है वैट, तो फाइनली हमारा वैट आ गया। तो दैट वॉज योर आंसर, यानी कि पावर इक्वल टू 2000 वैट। अगर आपको सही में ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इसे शेयर और मींस और कोशिश कीजिएगा कि इसे दूसरों से शेयर कीजिए ताकि नॉलेज आपको मालूम है कि बढ़ाने से बढ़ता है, शेयर करने से और बढ़ेगा। और ऐसे ही अगर आप मेरे से वीडियोस मतलब चाहते हैं तो प्लीज डू राइट ए कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको वीडियोस पे, यानी कि जो भी आपके सुझाव होंगे या वीडियोस होंगे जैसे आपके कमेंट्स आतेंगे तो डिमांड बेस पे वीडियोस बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे हिसाब से जो क्योंकि मैं खुद केमिकल इंजीनियर हूं तो आप प्लास्टिक्स का यूज मत कीजिए क्योंकि प्लास्टिक्स डिग्रेड नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑक्सीडाइज नहीं होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।